ढाई अक्षर फिल्म के तो हमने सुना था, ढाई आकार क्या कहेंगे इस फिल्म के? ढाई आकार ही है। कबीर का दोहा जो है, पोथी मड़मड़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकार प्रेम का पढ़े तो पंडित। तो एक्चुअल में ढाई आकार ही है। अक्षर उसका बाद में देवनागरी में बना लिया हमने, लेकिन एक्चुअल में इज ढाई आकार ओनली, टू एंड हाफ लेटर्स। और आप सोचिए, अगर प्रेम नहीं हो दुनिया में तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी? बिल्कुल। तो इसीलिए हमें लगा कि सबसे अप्रोप्रिएट इसका टाइटल ढाई आकार ही होता है। अनुराग जी, एक सवाल आपसे भी बनता है, कई दशकों से आप इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, रोमांस की परिभाषा बहुत तेजी से बदल रही है। एक दौर हुआ करता था माशूक अपनी माशूका को पाने के लिए सारे जहां से लड़ लेता था, पर जो आज की जनरेशन है, जो हमको OTT पे या हमको इर्द गिर्द देखने को मिलता है, प्यार को लेकर इतने सीरियस नहीं है। पार्टनर्स चेंज में और डाइवर्स जैसे बहुत जल्दी हो जा रही, क्या कारण मानते हैं कि इतनी तेजी से जो परिभाषा है प्रेम की बदल रही है आज की युग में? बड़ा अच्छा सवाल है। और मुझे एक किस्सा याद आया, लेट गुरुदत्त जी एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। तो फिल्म जब लिखी जा रही थी तो एक कुछ ऐसा सीन था कि मधुबाला जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं और गुरुदत्त जी नीचे हैं, और गुरुदत्त अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। तो डायलॉग राइटर जो थे उन्होंने लिख दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो गुरुदत्त जी ने बोला, ये तो बड़ा अश्लील है। वो बोले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बड़ा अश्लील है, बहुत सजेस्टिव कुछ चाहिए। तो बोले कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो बोले, हाँ ये ठीक है। तो इस तरह से प्यार का इजहार होता था। और अब तो आप जानते हैं कैसे क्या होता है। और इसके लिए मुझे लगता है हम भी जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं, एज रिस्पॉन्सिबल मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी, एज पेरेंट्स। ये जो स्थिति आ गई है, जो हमारे बच्चे हमेशा वेस्टर्न चीज़ों को इमिटेट करना चाहते हैं, फ्रीडम का गलत अर्थ निकालते हैं और उस तरह से बिहेव करते हैं, तो मुझे लगता है हम सब थोड़ा थोड़ा इसमें हमारा भी जिम्मा है। कहीं ना कहीं आपने भी माना कि क्रिमिनल फिल्में ज़्यादा प्रमोट हो रही है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए, एनिमल हो गई, पठान हो गई या जवान हो गई, फुल मार धाड़, फुल एक्शन। क्या हमारा संसार कहीं ना कहीं क्राइम की ओर तेजी से बढ़ रहा है, हम मोहब्बत भूलते जा रहे हैं? मुझे लगता है ये इट्स ऑल इन सर्कल। तो ये भी तो हट जाएगा, लोग उब जाएंगे और फिर बोलेंगे हमें ऐसी फिल्में नहीं चाहिए। सो इट विल कम। मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, एनिमल का नाम लिया इन्होंने, मैंने कोई फिल्म जो है बीच में नहीं छोड़ी आज तक। बुरी से बुरी फिल्म भी मुझे लगता है कि नहीं पूरी देखनी चाहिए, वो अकेली फिल्म है जो मैंने बीच में छोड़ी, क्योंकि मैंने सोचा कि फिल्म इतनी क्यों चल रही है। मुझे लगता है कि एनिमल जो है ना, एनिमल आदमी के अंदर ही होता है, वो पूरी सोसाइटी में एक बड़ी पॉपुलेशन में जाग रहा है। तो हमारी सोसाइटी को सचेत होना चाहिए इसको लेकर के, सोचना चाहिए इस बारे में कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। डायलॉग है उसका, If you love me, you lick my shoes. How can a civilized society bear this? You tell me. कहां हम आ गए हैं? ये सोसाइटी को सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन है। मतलब नथिंग टू क्रिटिसाइज एनीबडी। जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, वो मतलब अकेली फिल्म में मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हम बीच में छोड़ के आ गए वो फिल्म। और आज तक कोई फिल्म मैंने पूरी से पूरी फिल्म मुझे लगा यार मेहनत करके उसने बनाई है, पूरी तो देखो, छोड़ी नहीं बीच में कभी। लेकिन ये अकेली फिल्म है मेरी लाइफ में जो मैंने बीच में छोड़ी। अनुपम जी, किस टाइप की पिक्चर रहती है तो उसके लिए म्यूजिक, अलग टाइप का म्यूजिक आपको कंपोज करना लगता है या फिर सोचना पड़ता है?
तो आपने क्या सोच के इस पिक्चर को म्यूजिक दिया? देखिए, ऐसे फिल्में जो बनते हैं, म्यूजिक इसके लिए मेरे नेचुरली आ जाती है, बिकॉज आई एक्चुअली कनेक्ट विद द सब्जेक्ट, और जिस तरह स्क्रीन प्ले लिखी गई है, जिस तरह कैरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली मेरे म्यूजिक आया है। मुझे ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करना पड़ा। सॉन्ग्स के लिए इर्शाद जी के शुक्रिया बताना चाहूँगा मैं कि थैंक्स फॉर राइटिंग सच एन अमेजिंग लिरिक्स इर्शाद जी, एंड थैंक्स टू कविता जी फॉर सिंगिंग द सॉन्ग वंडरफुली, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फॉर सपोर्टिंग मी, एंड इट वॉज क्वाइट एन एनरिचिंग जर्नी फॉर मी टू क्रिएट सच म्यूजिक, बिकॉज आई लव क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। थैंक यू कविता जी, आपका अनुभव कही है, क्योंकि इस टाइप का म्यूजिक या इस टाइप के गाने बहुत कम बनते हैं जी। जब भी ऐसा कोई गाना आता है तब तो बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं मिल रहा है अभी। और इतना सोलफुल लिरिक्स वाइज भी जो सब्जेक्ट था, और इतना अटैच थे प्रवीण जी, जिस तरीके से मुझे नैरेट किया था स्टोरी की, क्या सिचुएशन है, कैसे गाना जाएगा, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बहुत डीपली इन्वॉल्व है, और वो चीज़ अभी भी ट्रेलर देख करके भी मुझे फील हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने अच्छे सब्जेक्ट के साथ जुड़ी, आपने मुझे मौका दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बल्कि ये तो ट्रेलर देखते देखते मुझे लगा ये तो बहुत आगे जाने वाली चीज़ है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप लोग थोड़ा सा देख करके भूल जाओगे, ये रहेगी जहन में लोगों के, बरसों तक रहेगी ये चीज़। मैं ये कहूंगा कि जब लिरिक्स की बात हुई तो इरशाद कामिल के बारे में शायद लोग कम लोग जानते होंगे, ही इज पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर। मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो भी वहीं से उन्होंने पीएचडी की है, मेरे दोस्त ने उनके अंडर पीएचडी की थी। तो मैंने कहा कि इरशाद भाई, इसके लिए लिरिक्स लिखने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, आप ही लिखेंगे इसको। तो वो अभी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आते आज यहाँ पर, स्क्रीनिंग जब होगी तब आएंगे। प्रवीण जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मेरा नाम सिराज है, आप शायद जी, जी सिराज भाई, आपने बैनर का नाम कबीर फिल्म रखा है, आपके बेटे का नाम भी कबीर है, लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं थिएटर से फिल्म में आया हूं, तो हम लोग नाटक कर रहे थे कबीरा खड़ा बाजार में, तो जब ये कबीर पैदा हुआ तो मैंने कहा कि इससे अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता इसका, तो हमने कबीर रखा। लेकिन ये बैनर जो है वो इसके नाम पर नहीं रखा, जब ये था कि मुझे लगा कि कबीर से बड़ा कम्युनिकेटर तो कोई हुआ नहीं है, तो वो मतलब उस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बेटे के नाम पर रखा है। नहीं, मैं बात पूरी इसलिए करना चाहता हूँ, अगर आप मौका दें जी, आपने लिरिक्स की बात की जो इरशाद कामिल साहब ने लिखा है, उसके अलावा आपने अमीर खुसरो का कलाम लिया जी, जो सैकड़ों बरस पुराना है जी, और कबीर दास और रहीम के जो दोहे हैं वो बहुत ही सच्चे सीधे सरल होते हैं, और बड़े कड़वे सच को मिठास से खिलाते हैं, पिलाते जी। तो मुझे लगता है कि आपने इस तरह की शायरी, इस तरह की कविता का काफी अध्ययन किया होगा। मैं बेसिकली जो है, मैं अपने आप को लिटरेचर का स्टूडेंट मानता हूँ, मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन मैंने उतना ही लिटरेचर डिफरेंट लैंग्वेजेस का, चाहे वो पंजाबी का हो, हिंदी का हो, बाकी सब पढ़ा, और मेरा जो काम भी है सारा वो लिटरेचर के अराउंड ही है, और आगे भी मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो भी ऐसा ही कुछ है। प्रवीण जी, एक सवाल आपसे बनता है, आपकी फिल्म देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अबला नारी की कहानी है, एक बेचारी नारी की कहानी है, लेकिन आज माहौल बदल चुका है, मेट्रो में इस तरह के इंसिडेंट देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है सर? देखिए, आप कहते हैं कि माहौल बदल चुका है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। खाली कॉस्मेटिक चेंजेस आए हैं, मेल मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई है। मेल जो है औरत को अपने बराबर का ह्यूमन बीइंग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये आप सोचते हैं हम विमेन को छोटे छोटे कंसेशन देते हैं कि चल आज तेरे को फिल्म दिखा देते हैं, चल आज तेरे को खाना खाने के लिए बाहर ले जाते हैं, व्हाट अबाउट हर एस्पिरेशन, व्हाट अबाउट हर ड्रीम्स? आप बताइए, हर चीज के लिए आज भी औरत को परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? चाहे फादर से लेनी पड़े, चाहे हस्बैंड से लेनी पड़े, क्या चेंज हुआ है? और मैं बताऊं कि उसका रोल चेंज हुआ,
वो घर से बाहर निकली लेकिन आदमी चेंज नहीं हुआ, आदमी की मेंटेलिटी अभी भी, मतलब या तो आप कहते हैं कि वो सबऑर्डिनेट के उसमें रहे और या आप कहें कि वो देवी बनाएंगे, मतलब बोलो फिर उसको बोलने नहीं देंगे हम। तो चेंज मैं नहीं मानता हूं कि चेंज हुआ है, चेंज तब होता है जब हमारी मेंटेलिटी चेंज होगी औरत को लेकर के, और वो नहीं हुई है। मृणाल जी मैं चाहता हूं आप भी कुछ बोले, इसका आपका क्या टेक है? मैं सहमत हूं, शहरों को छोड़ के शायद रेस्ट ऑफ इंडिया में यही हाल है, और द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ नॉवेल व्हिच हैपेंस इन 1980, तो आज से ऑलमोस्ट 40 इयर्स बैक की कहानी है। दूसरा, हमारी फिल्म में रिग्रेशन है, रिग्रेशन जरूर है, नॉवेल में रिग्रेशन है, लेकिन वो औरत उस रिग्रेशन से ऊपर उठ के अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसीजन लेती है, इसके बारे में ये फिल्म है। सो जैसा प्रवीण जी ने कहा कि कुचला जाता है उसके एस्पिरेशंस, उसके सपने, ये सब खत्म हो सकते हैं विथ अ बैड रिलेशनशिप और बैड मैरिज, लेकिन ये बहुत ही एक अनोखी कहानी है जिसमें एक विधवा औरत उस बैड रिलेशनशिप से बाहर निकल के एक बहुत प्यार भरी रिलेशनशिप में एंटर करती है, और ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, उसकी फैमिली है, उनको कंपेल करती है, विच इज अ वेरी वेरी डिफरेंट टेक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज व्हाट आई फील। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म इज दिस, कि अगर वो चाहें, अगर औरत चाहे तो वो ऊपर उठ सकती है और इस रिग्रेशन से बाहर निकल सकती है।
अगर आजकल ट्रेंड अगर देखे तो या तो हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा चल रही है या फिर क्राइम मूवीज लाइक एनी मर्डर मिस्ट्री इस टाइप की फिल्म। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ढाई अखरज टाइप की फिल्म इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आज का ट्रेंड से शायद थोड़ा सा डिफरेंट है और किसी भी प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर के लिए जरूरी है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका वो कौन सा प्राइम पॉइंट था या की पॉइंट था जिसके लिए आपने यस किया इस फिल्म में इन्वेस्टमेंट? देखिए मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इट वॉज नॉट ए मैटर ऑफ ओनली इन्वेस्टमेंट, इसमें हम लोगों का इंटरेस्ट था, रुचि थी इस विषय में और मेरा और प्रवीण जी का कॉलेज के समय का साथ है। हम लोग इकट्ठे पढ़े हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं और आज तक बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हम लोग शुरू से ही जो हम लोगों ने ये कंपनी बनाई है इस उद्देश्य से बनाई थी कि हम अच्छा सिनेमा बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्शन करेंगे वो अच्छा करेंगे, मीनिंगफुल करेंगे, समाज का जिसको समाज को लाभ मिल सके ऐसी प्रोडक्शन करनी है हमें। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ये हमारी जो मेरी ख्याल में बहुत कम इन्वेस्टमेंट की फिल्म है और अगर मन में इच्छा हो तो कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इतना सफल जरूर होगी कि इन्वेस्टमेंट को ये रिकवर कर पाएगी। I have a question for Mrinal. Mrinal, yesterday I attended your trailer launch of Gulabi, Marathi film. And today we are attending this Dhai Akhar. Times have changed, but the way I see you doing powerful emotive roles in Marathi film, I don't get to see you in Hindi film. What is the reason and how did you prepare yourself for this character? These are two questions. एक तो मैं खुद को बहुत ज्यादा हिंदी फिल्मों में आप मुझे क्यों नहीं देख पा रहे? आई थिंक आई डू वेरी सिलेक्टिव वर्क। इसके पहले आपने मुझे देखा है कश्मीर फाइल्स में और अब मुझे ढाई आखिर में। एज आई मेंशन आई कम फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली और मेरे लिए कंटेंट बहुत मायने रखता है। सो हिंदी हो, मराठी हो, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, अगर कंटेंट भरा कुछ मेरे पास आए तो मैं करती ही करती हूँ एंड अदरवाइज आई एम वर्किंग अ लॉट। सो मेरे लिए हिंदी मराठी ऐसा कुछ नहीं है। वेट आजकल OTT पे आती है सारी फिल्में, मैं फिल्में बनाती भी हूँ, मैं निर्देशक भी हूँ, मैं लिखती भी रहती हूँ, मैं डायरेक्ट करती हूँ। सो देर इज टू मच वर्क, सो नो कम्प्लेन्स। सेकेंडली मैंने बताया मैंने फिल्म करने का क्यों सोचा। लिटरेरी फैमिली से हूँ इसलिए मुझे लिटरेचर से जुड़ी हुई हूँ और अगर एक पैशनेट टीम, माय प्रोड्यूसर, माय डायरेक्टर, बोथ ऑफ देम दे आर फैंस ऑफ गुड लिटरेचर और वो अगर लिटरेचर प्रमोट कर रहे हैं कुछ बेस्ड ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नॉवल और मुझे कास्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं भला ना क्यों कहूँ। अगर ये बांग्ला में होती तो भी मैं कर लेती। भले भले।